ऐतिहासिक हरिहर मंदिर को मुक्त कराने व मंदिर में जलाभिषेक करने हेतु शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में सैकड़ों शिव सैनिकों को पुलिस द्वारा उनके कार्यालय पर ही रोक दिया गया। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में जिला कार्यालय गायत्री नगर लाइन पास से संबल में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित ऐतिहासिक श्री हरिहर मंदिर को मुक्त कराने व मंदिर में जलाभिषेक करने हेतु भारी संख्या में शिव सैनिकों द्वारा प्रस्थान किया गया, लेकिन पुलिस विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख और समस्त कार्यकर्ताओं को उनके कार्यालय पर ही रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। पूछने पर शिवसेना के जिला प्रमुख ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जिला प्रमुख शिवसेना मोरादाबाद जी, क्या कार्यक्रम था आज? आज शिव सैनिक जिला कार्यालय गायत्री नगर से संबल स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर को मुक्त कराने के लिए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि श्री हरिहर मंदिर पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा बनाया गया था और उनकी बेटी बेला का डोला आज भी मठ के रूप में मंदिर में प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व से मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पर नमाज अदा करते हैं जबकि हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। ज्ञात हो कि श्री हरिहर मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडरटेकिंग है, उसके संरक्षण में है और हमेशा वहाँ पर फोर्स रहती है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लोग उस पर नमाज अदा करते हैं, हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जाता है। आज शिव सैनिक बहुत बड़ी तादाद में श्री हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर को मुक्त कराने के लिए जा रहे हैं और अगर शीघ्र ही मंदिर को मुक्त नहीं होता तो शिव सैनिक बड़ा आंदोलन करेगा। जय हिंद, जय भारत।